दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। उपायुक्त सिरमौर आरके पुरुथी द्वारा निरीक्षण के महज 24 घंटे के भीतर बंद हुआ बहुचर्चित किंकरी पार्क का निर्माण कार्य कल से फिर शुरू हो जाएगा। बीडीओ संगड़ा की मौजूदगी में नायब तहसीलदार व कानूनगो द्वारा एक बार फिर जमीन की जांच अथवा निशानदेही की गई है और पार्क की 2.5 बीघा जमीन का विवाद सुलझाने का दावा किया है। किंकरी देवी पार्क समिति के अध्यक्ष विजय आजाद व सचिव विजेंद्र कुमार ने जमीनी विवाद सुलझाने व पार्क के लिए अतिरिक्त भूमि देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपायुक्त का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा पार्क का वर्क ऑर्डर हो चुका है तथा उपायुक्त के निर्देशानुसार 3 माह में निर्माण कार्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो साहब का धन्यवाद करता हूं और मुझे जैसे उपमंडलाधिकारी नागरिक ने आदेश दिए थे कि भाई आप मौके पे जाओ और वहां की स्थिति देखो, कुछ संशय जरूर था, उस संशय आज हमने दूर कर दिया है और आज मैंने अपने निगरानी में जो है ना जो डिमार्केशन का कार्य वो कर दिया है और जिससे जो है ना वीडियो साहब भी सहमत है और अन्य जो भी हाजरीन है और समिति किंकरी देवी की समिति के सदस्य उनको भी बताए निशान बता दिए गए और वो भी सहमत है। जो हमारा एग्जिस्टिंग एरिया था वो भी बता दिया है और जो डी साहब के आदेश के अनुसार प्रपोज्ड एरिया है उसके बारे में हमने बता दिया है मौके पे और सब लोगों ने उन निशानों को देख दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दोबारा से इस तरह का संशय नहीं रहेगा और सब लोग आज इसके विटनेसेस भी हैं जो हमने आज निशान लगाए हैं और मैं ये इसको मैं पुख्ता करता हूँ कि अब साफ मेरे हिसाब से आप सब लोग भी सहमत होंगे, यही मेरा इसके बारे में विचार है। पार्क समिति अध्यक्ष के नाते जिलाधीश महोदय जी का आभारी रहूँगा जिन्होंने जो पिछले कुछ घंटे चंद घंटे हमारा कार्य बंद पड़ गया था किसी कारणवश से, क्योंकि डिमार्केशन में बदलाव किया गया है, निशान कहीं लगाए गए थे, कार्य कहीं हुआ था, लेकिन अभी जिलाधीश महोदय के आदेश अनुसार आज भू राजस्व अभिकरण संगड़ा की पूरी टीम आकर नायब तहसीलदार जी मौके पर और विकास खंड अधिकारी जय साहब कानगो साहब पटवारी पूरा दल मौके पर पहुंचा किंकरी देवी पार्क समिति के निरीक्षण पर। वहां पर उन्होंने पूरा निशान लगाया जितनी हमें किंकरी देवी पार्क समिति के जिस तरह आज ये निशानदेही सुचारू रूप से की है, भविष्य में किसी भी प्रकार की उत्पीड़न ना हो सके ताकि हमें किसी भी ठोस कदम उठाना ना पड़े विभाग के प्रति। लेकिन मैं पुनः जिलाधीश महोदय जिला सिरमौर का व प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराई से अपनी समिति और रेणुका विधानसभा क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने किंकरी देवी पार्क समिति के लिए भरपूर जोर दिया है। मैं आगे कल हमारे जो हम पार्क का कार्य शुरू किया था जी, वो कल हमारे जो ऑफिस कानगो जी और फील्ड कानगो जी उन्होंने वो काम कल बंद करवाया था। आज वहाँ पर BDO साहब और तहसीलदार साहब और जय साहब हमारे उनके उसमें आज निशानदेही हुई है और आप BDO साहब ने कहा कि इसमें कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और मैं DC साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। मुख्यमंत्री जी से करता हूँ कि इसके लिए जल्दी बजट दिया जाए। और दिव्य हिमाचल TV के लिए संगड़ा से जयप्रकाश की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन, पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का वो नाम जो आपके गहनों के साथ लेकर आता है बहुत सारे आकर्षक इनाम। भूषण ज्वेलर्स सोलन एक बार फिर से लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी पर पहला इनाम 2.5 लाख के आभूषण, जबकि दो भाग्यशाली विजेताओं को दुबई टूर पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत मिलेंगे कुल 101 इनाम, जिनमें 3 एक्टिवा स्कूटर, 5 LED TV 32 इंच, 5 वॉशिंग मशीन, 15 ट्रॉली बैग, 15 डिनर सेट, 15 इंडक्शन, 15 क्विल्ट सेट व 15 स्टीम प्रेस। भूषण ज्वेलर्स गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की पहली पसंद, साथ ही ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। स्वर्ण समृद्धि 10 सितंबर से 14 दिसंबर तक। लाजवाब है भूषण के आभूषण। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता बताते हैं कि चाहे स्वर्ण आभूषण हो, हीरे या फिर चांदी के आभूषण, भूषण ज्वेलर्स में आकर्षक व आधुनिक डिजाइन का विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रदेश के नामी ज्वेलर्स में शुमार हो गए। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स।